पढ़ते हैं। एक मन्नापुरम के बारे में भी चर्चा हो रही थी, एफएंड बैन के अंदर है, सुबह हमने आपको ये बताया भी था, ये शेयर भी आज तेज है। ये बैन में तो है खुश शेयर, उसके बावजूद भी आज हमने इसको एफएंडो की लिस्ट में इसलिए लिया था, हमें लग रहा है कि ये मजबूत बेस बना रहा है, तो लोगों को कैश में लेके रख लेना चाहिए। जिस दिन बैन खुलेगा कैश वाले शेयर को फ्यूचर्स में दे देंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, एक दो रुपए जो खर्चा आएगा सो आएगा, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्यों करें अगर शेयर अच्छे रेट पे मिल रहा है तो। एक बार मन्नापुरम पे आपका टेक क्या है सर? ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, और जहां तक आपने बेस फॉर्मेशन की बात की, यू नो अगेन स्पॉट ऑन देयर। आप देखिए 109 110 के जो जोन्स हैं, पिछले एक से डेढ़ महीने से यू नो स्टॉक उन्हीं को रिस्पेक्ट करके वहीं से बाउंस बैक कर रहा है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे पॉजिटिव लग रहा है। थोड़ी सी स्लगिशनेस देखने मिल सकती है बिकॉज ऑफ यू नो द मार्केट गोइंग साइडवेज फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज, बट यहाँ पे अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। मोमेंटम हल्का सा मिसिंग है, बट आई थिंक दैट विल यू नो इवेंचुअली कैच अप गिवन की स्टॉक इतना अच्छा सपोर्ट ले रहा है इन लेवल्स में। सो बिल्कुल कैश में अगर आप करना चाहें बाय तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 110 के लेवल को ही अपना स्टॉप लॉस लेके चले। पहला टारगेट मेरे लिए यहाँ पे 118 का निकल के आ रहा है, दूसरा टारगेट जो है ये जरा ऊपर है, करीब 125 के लेवल्स जो है यहाँ पे। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव, पोजिशनल बेसिस पे लेना चाहे बिल्कुल लेके चल सकते हैं।